Welcome to ABC campus our subject is cap 3 business law chapter number 8 agency first video on this uh, chapter that relates to principal and agent relationship from ICAP study text 2020 and i am your facilitator Kashif Adeel so first section of uh, this chapter uh, relates to role of an agent and uh, it has six components and we would be covering the first component here in today's video and the remaining uh, co uh, component would be covered in next three videos so agent and principal what is this uh, relationship and how it works let's first illustrate it and then understand the definition so there are basically three persons in the equation पहला पर्सन जो है वो है प्रिंसिपल दूसरा एजेंट और तीसरा पर्सन थर्ड पार्टी और हम जो रिलेशन अभी अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन इस चैप्टर के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं लेकिन उस रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कई बार थर्ड पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा थर्ड पार्टी के राइट्स क्या होंगे थर्ड पार्टी की ओब्लिगेशन क्या होंगी उनको भी डिस्कस करना पड़ेगा लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो ऑबियसली प्रिंसिपल और एजेंट के राइट्स ड्यूटीज़ अथॉरिटीज़ और इनके आपस के इंटरेक्शन के बारे में होगा तो तीन पर्सन हैं जी प्रिंसिपल एजेंट और थर्ड पार्टी प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को कहता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ डील करे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल यानी निगोशिएट जो करना है वो काम है एजेंट का और कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान होगा अब इस सारी इक्वेशन में सबको फायदा क्या होता है कि दो लोगों के दरमियान डायरेक्ट डील करने के बजाय तीन लोगों के थ्रू Uh, को यूज़ किया जाए और डील तो दो ही लोगों के दरमिया हो रही है तो इसका फ़ायदा ये होता है लेकिन प्रिंसिपल इस तरीके से अपना टाइम सेव करता है एजेंट जो है वो मोस्टली इसमें कमीशन अर्न कर रहा होता है उसके के लिए एडवांटेज ही होता है और थर्ड पार्टी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि निगोसिएशन उसके साथ कौन कर रहा है अगर उसको अपनी मर्जी की चीज़ खरीदने को या अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो वो बेचना चाह रहा है वो सेल हो रही है और उसके रेट्स और टर्म्स के मुताबिक सेल या परचेज़ वो कर रहा है तो उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो प्रिंसिपल को अपने टाइम को सेव करने का एडवांटेज होता है एजेंट को समटाइम्स जो है अपने कमीशन का एडवांटेज होता है या समटाइम्स अदरवाइज उसका प्रिंसिपल के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसमें वो उससे बेनिफिट ले रहा होता है तो ये इक्वेशन है जिसको हमने समझना है कि जो प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में हो रहा है एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में निगोसिएशन होती हैं जिसमें एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है सो so, डेफिनेशन की तरफ अब जाते हैं एन एजेंट इज अ पर्सन इंप्लाइड टू डू एनी लॉफुल एक्ट फॉर एन अदर ऑर टू रिप्रेजेंट एन अदर इन डीलिंग थर्ड पर्सन अब रूटीन में तो अगर कोई किसी के साथ निगोशिएट करता है डील कर रहा होता है तो वो अपने लिए कर रहा होता है जब आप किसी और के लिए करते हैं तो वो जो और शख्स है वो प्रिंसिपल है एन एजेंट इज अर्सन एम्प्लाइड टू डू एनी लॉफुल एक्ट फॉर एन और टू रिप्रेजेंट एनअर इन डीलिंग विदर्ड पर्सन थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कार्ड द प्रिंसिपल सो जो शख्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो एजेंट है और जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है वो प्रिंसिपल है All types of business may use agents. मतलब जरूरी नहीं होता कि आप एजेंट्स के थ्रू ही बिजनेस करें लेकिन तमाम टाइप के बिजनेस एजेंट्स को यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल टू अरेज अब वो जो समिंसिपल टू अरेज अ ट्रांजेक्शन विदर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन क्रिएट्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी अब यह इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के साथ नहीं हो रहा होता कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में हो रहा होता है अब कुछ पॉइंट इस सारे रिलेशन को देख कर हम पढ़ेंगे वन बाय वन और शुरू में हम टू पॉइंट डिस्कस करते हैं उसके बाद हम मजीद पॉइंट की तरफ भी जाएंगे देयर इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल इस लीगल रिलेशन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं अब इस रिलेशनशिप की जो नेचर है वो हम अपनी इस वीडियो में भी और अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर रहे होंगे जिससे आपको इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी लेकिन यह जहन में रखना है कि एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप है और उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या एजेंसी रिलेशनशिप कहा जाता है सेकेंड पॉइंट है द एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल बाय बायोशिएटिंग थर्ड पार्टी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देर इज नो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द एजेंट एंड द थर्ड पार्टी ये अब जहरी बात है हर रूल की कुछ एक्सेप्शन होती हैं लेकिन बेसिक रूल ये है कि एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा एजेंट में निगोशिएट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी तो एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है इसको एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते हैं तो पाशा पॉइंट्स आजम टू बाय टेन बैग ऑफ शुगर ऑन हिज बिहाफ पाशा यहां पर जो है वो प्रिंसिपल है आजम जो है वो एजेंट है जो कि थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेट करेगा और इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहा जाता है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इट इज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी ये बार बार बात आ रही है तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंट की निगोसिएशन की सूरत में तो वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान

तो पाशा ने आजम को कहा कि उसे रिप्रेजेंट किया जाए उसके बिहाफ पर एक डील कर दी जाए तारिक के साथ तो आजम ने जो है वो निगोशिएट कर लिया कि टेन बेग ऑफ फ्यूगर ऑन क्रेडिट दिए जाए फॉर प्रिंसिपल पाशा और फिर जो है तारिक ने एग्री किया और एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया पाशा के साथ अब इस सारे कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नोट करें कि वो तारिक और पाशा के दरमियान है और पाशा जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है फॉर एग्जांपल अगर बाद में तारिक शुगर के बैग नहीं डिलीवर करता तो पाशा उस पर केस फाइल कर सकता है इसी तरह अगर पाशा पेमेंट नहीं करता तो तारीख जो है उस पर पैसे लेने के लिए जो क्रेडिट पर क्योंकि चीजें सेल की हैं तो वो उसके पैसे लेने के लिए एक्शन फॉर प्राइस का केस कर सकता है तो ये लीगल पोजीशन है जो हमें अपने जहन में रखनी है एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड मे इम्प्लॉय एन एजेंट यानी प्रिंसिपल बनने के लिए आपके लिए यह शर्त है कि आप माइनर ना हो और आप अनसाउंड माइंड के ना हो तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट uh, में एज अ प्रिंसिपल एंटर हो सकते हैं अब इस सीनैरियो को जरा हमें समझना पड़ेगा कि माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता लेकिन माइनर जो है वो एजेंट uh, बन सकता है तो सीनैरियो हम देखते हैं आजम एन एडल्ट एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रवीन अ माइनर विथ तारिक

कैन नॉट एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट तो अगर तारीख को कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाना है तो अगेंस्ट आजम करवाना होगा माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा एज बिट्वीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट दस even a minor or a person of unsound mind can be appointed as agent. it is so because the act of the agent is act of the principal and therefore the principal is liable to third parties. to तो kyunki minor personally liable nahi ho sakta unsound mind ka person jo hai wo personally liable nahi ho sakta तो उनका ऊपर agent ने तो personally liable होना भी नहीं होता, principal ने personally liable होना होता है to the third parties for the act of minor agent. तो यहाँ पर अब एक सिनेरियो इस नेचर का देखेंगे So, यहां पर अगर आप देखें तो अब जो प्रिंसिपल है वो एक एडल्ट है और जो एजेंट है वो एक माइनर है तो अगर प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करने का कहता है एजेंट को माइनर एजेंट को और वो फिर निगोसिएशन कर देता है तो थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के साथ ही होगा वो एजेंट के साथ नहीं होगा तो ये सिचुएशन हमने समझनी थी फिर है पॉइंट नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी अब नेसेसरी नहीं है इसका यह मतलब नहीं है कि होती ही नहीं है एजेंसी uh, के कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं तो सिनेरियो को अगर हम लेकर चलेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए तो यहां पर देखेंगे अरसलान प्रोमिस टू सेल फैसल हाउस ऑन हिज बिहाफ एन एग्रीमेंट बिटवीन अरसलान एंड फैसल इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन एंड ऑब्वियसली विदिडेशन एज वेल तो अब अगर एक हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो दो लोगों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विदाउटेशन भी वैलिड है और विद कंसिडेशन भी वैलिड हो तो समाइम आप अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल एजेंट के तौर पर काम करते हैं जैसे प्रॉपर्टी डीलर है या इसी तरीके के जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं तो वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो विद कंसीडेशन करते हैं वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए तो लेकिन इसी तरीके से अगर आप अपने दोस्त की कोई चीज़ सेल करवा देते हैं और डील कर लेते हैं उसके बिहाफ पे ताकि आपके दोस्त को एक फ़ायदा हो जाए तो आपने विदाउट कंसीडेशन उसको हेल्प कर दिया तो दैट्स फाइन एज़ वेल तो कंसिडेशन ज़रूरी नहीं है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती एन एजेंट मे एक्ट फॉर अ प्रिंसिपल इन अरेंजिंग जस्ट वन ट्रांजेक्शन तो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए भी जो है एजेंसी रिलेशनशिप हो सकता है लेकिन ज्यादातर सिनेरियोज में जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर से आप एक घर किराए पर कहते हैं और वो आपको एक घर किराए पर ढूंढ कर दे देता है आपको पसंद आ जाता है आप उसके लिए एडवांस वगैरह पे करते हैं और साथ उसको कमीशन दे देते हैं एक ट्रांजेक्शन हुई उसके बाद आपका एजेंसी रिलेशनशिप खत्म लेकिन कई जगह पर जैसे मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं जिन जो आपके बिहाफ पर गुड सेल परचेज करते हैं मार्केट से आपने एक एजेंट हायर किया हुआ है और आप उसे कहते हैं कि जी मार्केट्स में आपने मेरी ये चीजें सेल करवानी है और हर डील पर जो है ना आपको टू परसेंट कमीशन मिलेगा तो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही होती है तो बिजनेसिस में तो ये कॉमन है कि रेगुलर बेसिस पर एजेंट्स को हायर किया जाता है सो पढ़ते हैं जी आगे हावर इट इज कॉमन इन बिजनेस फॉर एन एजेंट टू एक्ट रेगुलरली ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल अरेंजिंग लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स

एजेंट है वो क्या कोशिश करेगा कि एक बायर ढूंढे जिसे हम टेक्निकली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी कहेंगे अगर एजेंट सक्सेसफुल है और गुड सेल हो जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज जो होगा वो प्रिंसिपल और थर्ड uh, पार्टी के बीच में होगा एजेंट डज नॉट एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर ऑल ही हैज एन एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल जिससे वो फी अर्न कर लेगा बाजू का अच्छा जो एजेंट हैं वो सैलरीड भी हो सकते हैं इवन एजेंट जो है वो एक इम्प्लाई भी हो सकता है और इम्प्लाई के अलावा भी शख्स हो सकता है आप अपनी एक शॉप पे मैनेजर रखते हैं और कहते हैं कि जी तुमने चीज़ें सेल करनी है सेल्समैन रखते हैं और कहते हैं तुमने चीज़ें सेल करनी है और तुम्हें एक फिक्स सैलरी मिलेगी तो वो आपका एम्प्ल है और वो आपके बिहाफ पे जो है ना ट्रांजेक्शन कर रहा है आप एक पर्सन को हायर करते हैं कि जी तुमने मेरे लिए चीज़ें सेल करनी है और मैं तुम्हें एक सर्टन परसेंटेज दूंगा पर ट्रांजेक्शन जितनी तुम करोगे अब वो आपका उसके साथ एम्प्लाई का स्टेटस नहीं है लेकिन वो एजेंसी का रिलेशनशिप है तो एजेंसी रिलेशनशिप इम्प्लाई के साथ भी हो सकता है नॉन एम्प्लाई के साथ भी हो सकता है इसी तरह एजेंसी रिलेशनशिप वन ऑफ भी हो सकता है जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और एजेंसी रिलेशनशिप जो है वो बाजूक़ात ज़्यादा परमानेंट नेचर का भी हो सकता है कि आप रेगुलर एक एजेंट के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं सो so, इसमें जो है सिचुएशंस को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं अगर आप एज अ प्रिंसिपल अपने आप को रखकर देखें तो आप अगर स्टॉक मार्केट में शेयर्स की सेल परचेज करना चाहते हैं तो एक ब्रोकर के थ्रू आप करेंगे तो वो ब्रोकर आपका एजेंट होगा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं उसके लिए एक प्रोपर्टी डीलर को जो है ना एंगेज करते हैं तो वो आपका एजेंट होगा इसी तरीके से अगर आप कोई गाड़ी किसी जगह पर अपनी सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो जो बीच में डीलर्स होते हैं जो यूज्ड कार वगैरह में डील कर रहे हैं अगर तो वो अपनी गाड़ी बेच रहे हैं तो फिर तो आपका डायरेक्ट बायर सेलर वाला रिलेशन है लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी सेल करवाना चाहते हैं और एक डीलर को देकर आते हैं कि जी इसे सेल करवा दें और वो कहते हैं कि जी ठीक है हम सेल करवा देंगे फाइव परसेंट हमारा कमीशन होगा थ्री परसेंट हमारा कमीशन होगा तो वो जो कमीशन वो आपसे ले रहे हैं तो वो उनका रिलेशनशिप आपके साथ एजेंट वाला है तो ये एजेंसी के बारे में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना था दैट्स ऑल फॉर टुडे